वरना आप खुद बोलते हो यार बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। बेशक बेशक, और ये इतनी प्राइजेस में अच्छे दे रहे हैं कि आप सिर्फ तीन बछड़ा रह गए भाई। लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है भाई कैसे सौदे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। होंगे भाई मेरी हालत देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा भाई काफी थका हुआ हूँ और बहरहाल तो ये बाल उजड़े हुए हो रहे हैं बिल्कुल मंडी में घूम घूम के। कल हम लोगों ने हसान के बछड़े के लिए सर्चिंग शुरू करी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हसान ने भी बछड़ा ले लिया और वो भी आप लोगों ने देखा होगा, मान ने भी उसकी क्लिप निकाली है। बहरहाल भाई अभी मैं आया हुआ मोहम्मद फार्म पे, हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि आप लोगों को पता होगा हारिस भाई जिनका पठान है, तो भाई उन्होंने कहा था कि भाई मुझे मंडी से थोड़ा सा शॉप करना है तो मंडी से कुछ जानवर लेने हैं, तो हम लोग उसी के सर्चिंग में लगे हुए थे। तो भाई एक जगह आए मोहम्मद फार्म पे तो उनके पास एक पांडा बछड़ा खड़ा था, उनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि एक पांडा बछड़ा लेना है मुझे ना और गुलाबी नाक में हो माशाल्लाह, तो उनके लिए कुछ सर्चिंग चल रही थी, उनको पूरी मंडी घुमाई भी और मोहम्मद फार्म पे आए तो मोहम्मद फार्म पे पांडा बछड़ा हमने दिखा। खैर हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस बच्चे को, तो भाई अली भाई यहाँ पर होते हैं माशाल्लाह उनसे ही पूछेंगे। बहरहाल तो भाई बच्चा पसंद आ गया था अली भाई, क्या कहते हैं हारिस भाई को, तो हारिस भाई को भाई बच्चा मतलब तो भाई हारिस भाई को बच्चा पसंद आ गया था पांडा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और हारिस भाई से भी पूछते हैं भाई। और पठान जिनका था, पठान तो खैर सोल्ड हो गया मगर उन्होंने आज फार्म पे 10 साल बाद आए वैसे कराची को, तो फार्म पे आके उन्होंने सारे जानवर देखे, उन्होंने भी यही कहा कि खैर उनसे ही पूछेंगे जो भी है मामला कि कैसा लगा उनको। तो बहरहाल उन्होंने एक बछड़ा ले लिया पांडा, वो भी दिखाता हूँ और दूसरे का सौदा चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उम्मीद आप लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो ये बछड़ा माशाल्लाह से ले लिया है माशाल्लाह भाई और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सौदा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भाई। ये मोहम्मद फार्म से ये बछड़ा लिया है भाई हमने, और किसके लिए लिया है, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे दोस्त हैं हारिस भाई जिनकी आप लोगों को याद होगा भाई क्या नाम है, हमारी हूर भी थी और हूर उनकी जो है वो एक बड़े फार्म पे पल रही है अभी भी, और हमारे फार्म पे पठान पल रहा था जो कि सेल कर दिया है बड़े, वो कह रहे थे कि यार पठान जो सेल करके जो है ना मेरा बड़ा, यानी कि वो हुआ कि नहीं करना चाहिए था बच्चे को सेल, अभी आके देखा है उन्होंने बच्चा तो बोल रहे हैं यार क्या बात है वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल भाई ये इन्होंने कुर्बानी के लिए ले लिया है भाई माशाल्लाह, तो अभी फार्म जा रहे हैं, एक और बछड़े का सौदा चल रहा था तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कौन सा बछड़ा है, तो उस पर थोड़ा सा जो मामला है ना अभी अटका हुआ है, समझ लें 50,000 के करीब कुछ सौदा जो है ना वो अटका हुआ है इस वाले बछड़े का ना माशाल्लाह से। ये भी नस्ल में अच्छा माशाल्लाह से खूबसूरत बछड़ा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है माशाल्लाह से, शेपा जिसे कहेंगे वो स्ट्रक्चर में है माशाल्लाह, अभी बातचीत चल रही है, देखें अगर बन जाता तो इंशाल्लाह इसकी भी आपको खुशखबरी जो है ना वो सुनाते हैं माशाल्लाह। ये बच्चा है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई इसके साथ साथ जो है भाई मैंने आपको बताया था कि उस वाले बछड़े का सौदा चल रहा है, ये जो खड़ा हुआ है ना इसका सौदा चल रहा है करीब करीब ही है समझ लें, और भाई तीसरा बछड़ा भी जो है ना ये भाई माशाल्लाह इसका भी सौदा जो है ना हारिस भाई को करवा रहे हैं माशाल्लाह से, बस डन वाली बात ही हो रही है, एक अमाउंट अली भाई जो कि मोहम्मद फार्म के वो हैं पार्टनर है माशाल्लाह। तो ये बच्चा भी एक देखा है भाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये चार दांतों में है अभी, और इस साल की कुर्बानी के लिए हारिस भाई के लिए हमने ले लिया है माशाल्लाह, ले लिया नहीं है अभी कि सौदा चल रहा है समझ लो, यानी कि डन पर ही है बात ना, अब जैसे ही कंफर्म हो जाती है ना बात वो असल में अली भाई जो है ना अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक दो और तीसरा वो जो हमने ले लिया ये वाला तो सौदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से ना, इसको तो डन कर दिया है। अब अभी अभी हारिस भाई ने हमें कहा है कि भाई ये यू नेवर नो कि भाई ये वाला बच्चा जो है वो शायद घर से डायरेक्ट आपके फार्म पर आ जाए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह आप लोग क्या कहते हैं, ज़रा मुझे कमेंट में ज़रा बताइएगा कि भाई ये बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आ जाता है तो कैसा रहेगा ये बच्चा माशाल्लाह, चीज़ तो भाई भरपूर है और माशाल्लाह अच्छा ग्रोथ करने वाला बच्चा है ये माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है क्या बात है, पांडे फेस में मौजूद है और देखेंगे इंशाल्लाह इसको भी पाल लेंगे, अब देखते हैं कि हारिस भाई कुर्बानी करते हैं इसकी या फिर
ये फार्म पे हमारे आएगा दोबारा। चलें अभी सौदा चल रहा है उन दो बछड़ों का, तो देखते हैं इंशाल्लाह फिर। अच्छा जी, तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बछड़ों का सौदा जो है वो हो गया है भाई। हारिस भाई ने तीनों बछड़े ले लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन भाई। एक बछड़ा ये है भाई। हारिस भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो तीनों बछड़ों के लिए। अल्लाह ताला कुर्बानी जो है ना कबूल करे माशाल्लाह भाई। तो भाई तीनों बछड़ों का सौदा हो चुका है, एक मैंने आप लोगों को बता दिया, तो वो पीछे खड़ा हुआ वो भी खुलवाते हैं इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह भाई मोहम्मद फार्म से भाई तीनों बछड़े लिए हैं भाई माशाल्लाह। चलाओ ज़रा इसको इस तरफ, चलाओ ज़रा आगे, चलाओ इस तरफ से लेकर आओ ज़रा, तीनों बछड़े देख लेते हैं हम माशाल्लाह। तो भाई एक बछड़ा ये है आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं भाई आप माशाल्लाह। दूसरा बछड़ा ये मैंने आप लोगों को दिखाया था माशाल्लाह, ये चार दांतों में माशाल्लाह से मौजूद है। ये देखें भाई माशाल्लाह, इसका भी हाँ इसको बांधो माशाल्लाह से, अच्छी माशाल्लाह से नस्ल में माशाल्लाह से बच्चा ही। और ये आ गया भाई दूसरा बछड़ा, ये भी माशाल्लाह। तीनों साथ खड़े करना, हाँ तीनों साथ खड़े करके दिखा देना माशाल्लाह। चले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बंदे नहीं है क्या? चले भाई ये आ गया भाई। और तीसरा भी खुलवाते हैं ना बछड़ा, वो वहाँ बंदा हुआ है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी नस्ल में मौजूद है माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है, बनाओ में माशाल्लाह से भरपूर है ये बछड़ा। ये बच्चा भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुल के जानवर जो है ना वो पता लगते हैं माशाल्लाह। ये देखें भाई वो सबसे बड़ा जो बछड़ा है वो ये है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई पांडा माशाल्लाह से, एक और पांडा माशाल्लाह से हमने परचेज कर लिया है माशाल्लाह। बड़ा टाइम लगा सौदे में, टाइम वैसे ऐसा तो नहीं लगा, इतना घूमे नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये चेक करें भाई क्या बात है भाई क्या बात है। ये तीनों बच्चे जो हैं भाई माशाल्लाह से, इस साल की हारिस भाई की कुर्बानी के तीनों बच्चे हैं। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है भाई कैसे सौदे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह के कमेंट ज़रूर करने। अच्छा जी, तो मैंने अभी हारिस भाई से पूछा है भाई प्राइस कोट करूं कि ना करूं। हारिस भाई ने बोला नहीं प्राइस कोट ना करें, क्योंकि भाई कुर्बानी का जानवर है अब उनकी चीज़ है, तो उन्होंने मना कर दिया कि प्राइस कोट समीत भाई नहीं करिएगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह बस ये लोगों को कह दिएगा भाई दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए अल्लाह ताला। बस ये एक दुआ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई दुआ कीजिएगा इन तीनों के हवाले से माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई एक से बढ़ के एक ब्यूटी माशाल्लाह। चलें भाई आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी फार्म भी गए, यहाँ पर भी आए और फिर वापस फार्म गए, तो आज थोड़ा सा उजड़ा चमन हो गया हूँ मैं। तो बहरहाल भाई उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, इस बछड़े के हवाले से मैं बताता चलूँ, मे बी पॉसिबल कि ये आज भाई के घर उतर के वापस फार्म आ रहा हो, क्या पता, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छा जी, तो ये तीन बछड़े जो सोल्ड हुए हैं इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं अली भाई माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फार्म मोहब्बत है माशाल्लाह। इन्होंने जिस प्राइजेस में दिए है ना, तो हमारे आरिफ भाई ऑनर जो उनकी तरफ से मना हो गया प्राइस बताना, वरना आप खुद बोलते यार बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। बेशक बेशक, और ये इतनी प्राइजेस में अच्छे दे रहे हैं कि आप सिर्फ तीन बछड़ा रह गए भाई। कौन कौन से जरा बता, बछड़ी भी है एक हो गया, ये बछड़ी है और एक ये बछड़ा है, बाकी माशाल्लाह है, बाकी कुछ यहाँ पर जो है ना बुकों के यहीं पे अभी फिलहाल रहेगा, और एक ये बछड़ा है माशाल्लाह बाकी बछड़ा है माशाल्लाह से माशाल्लाह। और किड्स कलेक्शन जो है ना वो भाई दिखा देते हैं भाई, इतना जबरदस्त कलेक्शन कोई लेकर नहीं आया था मैं समझता हूँ, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह कलेक्शन लेकर आए। ये 12 महीने 14 महीने या हर मान लीजिए 15 महीने, ये अभी चारा चल रहा है, वरना मैं आपको अलग अलग दिखाता था। तो ये जो माशाल्लाह से इनका कलेक्शन है ना सबसे टॉप माशाल्लाह, एक ये ब्रीड में बछड़ा है माशाल्लाह, ये इनकी होम ब्रीड है बहुत माशाल्लाह, ये 15 महीने का बच्चा है, 12 महीने इसका लाइफ वेट है यार माशाल्लाह। तो मोहम्मद फार्म्स पे जो है वो अली भाई से इनका कॉन्टेक्ट भी अभी लेते हैं, बाकी कुछ सेल आउट भी हो चुके हैं, कुछ अवेलेबल भी हैं अभी। बछड़े माशाल्लाह दिख नहीं रहे सही, एक बछड़ी और भी थी माशाल्लाह, खैर दिखाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में। बाकी मैं तो कहूँगा अगर मंडी चक्कर लगे तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, सफायर ब्लॉक में ये बैठे हैं। ये देखें माशाल्लाह बछड़ा, ये देखें माशाल्लाह,
और जो ये बछड़ी है ना मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो ये जा रही है भाई, ये माशाल्लाह, ओए 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 माशाल्लाह। तो भाई क्या कहते हैं, आप लोग आ सकते हैं, अली भाई अपने नंबर शेयर करें ताकि लोग जो अब जो रह गए उस पर रब्ता कर सके आपसे। 0321 82 82 94 94 604 604 भाई ये अली भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग इन बच्चों के हवाले से या वो जो तीन जानवर दिखाए मैंने उनके हवाले से जो है ना आप रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह यार ये बहुत टॉप की चीज़ तैयार हुआ इंशाल्लाह आने वाले सालों में। बाकी एक ये बच्चा भी माशाल्लाह जो है ना वो ज़बरदस्त है, एल्बिनो आइज वाला भी एक बछड़ा है इनके पास माशाल्लाह, ये देखें ये ज़बरदस्त, ये वाला बच्चा भी माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन माशाल्लाह जो है ना वो नस्ल वाला, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सीन है बॉस, माशाल्लाह ज़रूर आइएगा। बाकी इन्होंने जो हमें दिया हम थैंक्स करना चाहेंगे, ये इन्होंने बहुत इज्जत की मेरी, बोला ए आर मानी आए हैं, मानी भाई आए हैं, तो बहुत इज्जत की यकीन करें मुझे लिटरली पता है कि वो कितने का इरादे थे इनके सेल करने के और कितने कम में माशाल्लाह इन्होंने उसमें भी हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने इतनी इज्जत रखी हमारे लिए। समीत भाई ओवर टू यू।